नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ स्पाइसी एंड स्मोकी ओनियन टमाटो चटनी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 मीडियम प्याज, इसे हमने बीच से काट लिया है और हम इसे अब गैस के ऊपर एक ग्रिल रख के सेक लेंगे। जो रोटी सेकने के लिए ग्रिल यूज़ करते हैं, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। उसे चारों तरफ से हमें अच्छी तरह सेक लेना है। हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में ये जल जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे हमें सेकने के लिए। जब अच्छी तरह पक जाए तब हम इसे निकाल करके टमाटर को इसी तरह सेक लेंगे। यहाँ 3 लोकल टमाटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है तो आप हाइब्रिड टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को हमें चारों तरफ से अच्छी तरह ग्रिल कर लेना है, सेक लेना है। जब इसका स्किन फटना शुरू हो जाए और जूस निकलना शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि हमारा टमाटर अच्छी तरह पक चुका है। टमाटर के बाद हम ग्रिल करेंगे हरी मिर्च को। तो मैं यहाँ 3 हरी मिर्च ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसका क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने तीखेपन के अनुसार। दोस्तों, हरी मिर्च जब हम ग्रिल करेंगे तो हरी मिर्च का जो तीखापन है वो कम हो जाता है। इसलिए आप अगर नॉर्मली 3 हरी मिर्च यूज़ करते हैं तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ग्रिल करेंगे लहसुन को। यहाँ मैं 2 बड़े लहसुन की कलियाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। तो हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हमने ग्रिल कर लिया है, सेक लिया है। अब हम इसका स्किन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लहसुन का स्किन निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसमें स्किन कम्प्लीटली नहीं निकल पाएगा, थोड़ा सा इसमें रहेगा तो वो रहने दीजिए, क्योंकि उसी से स्मोकी फ्लेवर आता है। हमें इसे कम्प्लीटली धोना भी नहीं है। प्याज का ऊपर का लेयर हम निकाल लेंगे जो कि पूरी तरह जल गया है, और इसका जो हार्ड हिस्सा होता है, हार्ड पार्ट होता है, वो हम चाकू से काट के निकाल लेंगे। और नीचे का हिस्सा जो जला हुआ है उसे हम स्क्रैच करके चाकू से उसे भी हम निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमने प्याज को अच्छी तरह क्लीन कर लिया है बिना पानी से। आपको भी इसी तरह इसका स्किन निकाल लेना है जला हुआ, लेकिन आपको इसे धोना कतई नहीं है। तो टमाटर को भी हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है, इसका जला हुआ स्किन निकाल लिया हमने। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटना इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसे हमें पीसना है और हम इतना बड़ा बड़ा पीस नहीं पीस सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, इसलिए हम काट रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी परफेक्ट साइज लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसे जैसा चाहे काट सकते हैं। अब हम प्याज को भी काट लेंगे। प्याज और टमाटर काट लेने के बाद हम लहसुन और हरी मिर्च को भी काट लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ छोटा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसे 2 बैचेस में पीसना होगा। अगर आपके पास बड़ा मिक्सर ग्राइंडर है तो आप एक ही साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस सकते हैं। हमने नमक ऐड कर लिया और इसे अच्छी तरह पीस लिया। तो बस दोस्तों, हमारा स्मोकी एंड स्पाइसी ओनियन टमाटो चटनी बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।